गर्भवती माता ये प्रार्थना ध्यान हर रोज करें। आज के इस प्रार्थना ध्यान के लिए हम शांत जगह पर अनुकूल स्थिति में बैठ जाते हैं। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हैं, चाहे तो आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं। अपने दोनों हाथों को प्यार से अपने पेट पे रख दे, मानो आप अपने बच्चे को प्रेम से स्पर्श कर रहे हैं। और इसी प्रसन्नता के साथ धीरे से अपनी आंखें बंद कर दे। आज हम कुख में पल रहे बच्चे के लिए 10 मिनट का प्रार्थना ध्यान करते हैं। इस 10 मिनट के लिए आसपास से आ रहे हर एक आवाज का स्वीकार करें। हे परमात्मा, पृथ्वी पर एक और अंश के अवतरण के लिए आपने मेरी पात्रता का स्वीकार किया और इसके द्वारा मुझे विश्व की सबसे सुंदर अनुभूति, ऐसे मातृत्व का अनुभव करने का अवसर दिया। मेरे भीतर एक नए जीवन को पल्लवित कर पाऊंगी, इतना विश्वास मुझ पर किया। मुझे मेरे भीतर एक नए जीवन की कोमलता, पवित्रता और दिव्यता को महसूस करने का अवसर दिया और एक नए जीवन के जन्म जैसी इस पृथ्वी पर की सबसे सुंदर घटना का हिस्सा बनाया। इन सब के लिए मेरा कण कण आपका ऋणी है। हे करुणा के सागर, तेरी इस करुणा के लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। कितनी सुंदर घटना आपके कुख के अंदर घटित हो रही है, इसका अनुभव करें। आपके कुख के अंदर एक नया जीवन विकसित हो रहा है, खिल रहा है। इस पृथ्वी पर की सबसे सुंदर एवं अद्भुत घटना मातृत्व का आशीर्वाद आपको मिला है। इस आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं। आपके कुख में पल रहा बच्चा दिव्य है, कोमल है, पवित्र है। इस ईश्वरीय अंश की दिव्यता, कोमलता और पवित्रता का अनुभव करें। एक श्रद्धा के साथ बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि आपकी कुख में पल रहे बच्चे के श्रेष्ठ विकास और पोषण के लिए समग्र ब्रह्मांड की तमाम दिव्य शक्तियां हर क्षण काम कर रही है। श्रद्धा रखें। हे ईश्वर, तेरी कृपा को मैं मेरे भीतर अंकुरित होते हुए अनुभव कर सकती हूँ। तेरी करुणा को मेरे ऊपर इस तरह बरसते हुए अनुभव कर सकती हूँ
मानो मुझे तेरी ही दिव्यता का स्पर्श हो चुका है। मैं मेरे अस्तित्व में दिव्यता को विस्तारित होते हुए अनुभव कर सकती हूँ। आपकी कोख में पल रहा बच्चा एक दिव्य आत्मा है और यह दिव्य आत्मा आपकी दिव्यता, पवित्रता और चेतना का विस्तार कर रही है। उनके अस्तित्व के कारण आपका अस्तित्व फैल रहा है। ईश्वर के द्वारा मिली इस प्रेम रूपी भेंट को संभालने की जिम्मेदारी का पूर्ण हृदय से स्वीकार करें। आज बताते हैं अपने बच्चे को कि वो आपकी कोख में बिल्कुल सुरक्षित है। उसकी माँ हर पल उसका ख्याल रख रही है। इस वरदान के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। हे ईश्वर, मेरे भीतर खिल रहे इस वरदान के लिए मैं मेरी कृतज्ञता तुझे अर्पण करती हूँ। मुझे मातृत्व रूपी आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। आज अपने बच्चे को बताते हैं कि उसके श्रेष्ठ विकास और पोषण के लिए सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, पूरे जगत के समग्र शुभ तत्व भी कार्य कर रहे हैं। इस जगत के समग्र शुभ तत्वों को इस दिव्य बालक के विकास में सहभागी बनने के लिए आज प्रार्थना करते हैं। हे जगत, मेरे भीतर परमात्मा का अंश विकसित हो रहा है। तुझे इतनी प्रार्थना कि मेरी कुख में पल रहा बच्चा मेरी आंखों से तुझे देख रहा है तो तू मुझे हमेशा सुंदर ही दिखे। मेरे कर्ण के द्वारा वह तुझे सुन रहा है, तू मुझे हमेशा मधुर ही सुनाई दे। मेरे स्पर्श के द्वारा वो तेरी अनुभूति कर रहा है, तू मुझे कोमल स्पर्श ही दे। मेरी बुद्धि के द्वारा वह तेरा विश्लेषण कर रहा है, मुझे हमेशा तेरी सात्विकता का ही अनुभव हो। मेरे मन के द्वारा वो तेरी अनुभूति कर रहा है, तू मुझे आनंद ही दे। हे जगत, तेरी सहायता से तेरी सुंदरता को और भी बढ़ा दे, ऐसा परमात्मा का अंश मैं तुझे सुपरत करूंगी। हे जगत, हम साथ मिलकर मेरे भीतर आकार ले रही इस दिव्यता का पोषण करते हैं। मेरे भीतर आकार ले रही इस कोमलता का पोषण करते हैं। मेरे भीतर
आकार ले रही इस पवित्रता का पोषण करते हैं।